तो मीराबाई के पति सांसारिक पति के दुनिया से जाने के बाद में मीराबाई के सांसारिक जो पिया थे पति थे उन्होंने मीरा को कभी कष्ट नहीं दिया, मीरा को कोई दुख नहीं दिया। मीरा को कहा कि आप भक्ति करना चाहते हो मैं चित्तौड़ के किलो में सांवरिया जी का मंदिर बना के देता हूँ। वहां भी चार भुजा का मंदिर जो मीरा की भक्ति के कारण से उस समय बना जो आज भी चित्तौड़ किले में उपलब्ध है। लेकिन उनके जाने के बाद में खानवा के मैदान में महाराणा सांगा वीर गति को प्राप्त हुए। पीछे महाराणा सांगा के जो दूसरे बेटे थे रतन सिंह, वो रतन सिंह भी अपने ननिहाल में अपने नाना लोगों के साथ में किसी धोखे में मारे गए। तो महाराणा सांगा का जो तीसरा बेटा है उसका नाम विक्रमादित्य है। क्या नाम है? विक्रमादित्य। और वो चाहता था कि मीरा भक्ति ना करे, मीरा सांसारिक जीवन को भोगे। तो एक भजन की कल्पना है, हालांकि सब सारे भजन भक्त शिरोमणि मीराबाई ने जो भजन लिखे हैं वो तो आज तक दुनिया गाती नहीं है, वो तो समझ भी नहीं आते कई लोगों को। ब्रज भाषा में है, कई डिंगल भाषा में है, परंतु मीरा के इन सारे जितने भी जीवन के उनके जो समय समय पर जो प्रसंग है उन प्रसंगों पर विविध भजन बनाए गए। उसमें से ये एक विषय है कि राणा ने कहा कि मैं भी दर्शन करना चाहता हूं तेरा सांवरिया कैसा है। तो मीरा और मीरा के देवर विक्रमादित्य का संवाद है इस प्रकार से। मीरा सकल श्रेष्ठ सिरमो सकल श्रेष्ठ सिरमोर जगत में सारा सारा जाने आगे भई अनेक कई पाया कई ठकुरा। मीरा से पहले बहुत सारी ठकुराना हुई, ठकुराइन हुई, बहुत सारी बाया भी हुई, लेकिन मीरा की होड़ जो है दुनिया की किसी भी ठकुराइन ने नहीं किया, मीरा की होड़ किसी भी महारानी ने नहीं की। मीरा इस दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। इतिहास से पढ़ोगे आप तो आपको कई इतिहासकार लगे कि वो दुनिया का जितना भी लावण्य है, जितना भी रूप है, जितना भी स्वरूप है, वो सब कुछ मीरा में समाहित था, क्योंकि साक्षात परमेश्वर की चार भुजनाथ की ज्योति मीरा के अंदर समाहित। जिनकी रीत सग्राम कहे ठीक कही है ठोड़, और मीरा जन्मी मेड़ते मीरा ने परनाई, बोलो एक बार दोनों हाथों को उठाकर, मीरा ने परनाई चित्तो। तो राणो, अरे राणो आयो है दर्शन करवाने में तू
सिर पर भाजे हाथ किनरा ए डोरा कंठी फेरिया सिर परिहारा ये डोरा कंठी बांधिया राणो राणो पूछे कि ये जो गले में तुलसी की माला है ये किसने दी जाओ रविदास धरिया माथे हाथ राणा जी रविदास धरिया माथे हाथ राणा जी रविदास धरिया माथे हाथ उनरा ए डोरा कंठी बांधिया ओ जी अरे उनरा ए डोरा उनरा ए डोरा कंठी बांधिया पूछा कि भी इतने कुण आशीर्वाद दियो जाओ मीरा ने कहा कि मेरे गुरुजी रविदास जी महाराज ने कृपा करी है उन्होंने मुझे भक्ति का पथ दिया संतों मित्रजनों आप में से हालांकि ये शब्द जो है ये शब्द बड़ा विवादग्रस्त है लेकिन ये संवाद का विषय है इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो मूर्ख लोग होते हैं जिनको ये दुनिया में ऊंच नीच जातियों का भेदभाव दिखता है उनको लगता है कि क्या रविदास जी तो चमड़े का काम करते हैं ये मीरा तो राजवंश की महिला है और ये क्या ऐसे चमड़े के काम करने वाले लोगों का आशीर्वाद ले लिया कहीं अरे ओछी गुरु जी वाली जात मेरा बहनी गुरु जी वाली जात अरे मुआ धोरोला काटे तांबड़ा हो जी ओछी गुरु जी वाली जात थाने ओछी गुरु जी वाली जात मुआ धोरोला काटे तांबड़ा जात तो बड़ी नीची है काम करना करे कि मरे हुए पशुओं के चमड़े को खींचने का काम करते मुआ ढोरोरा काटे चामड़ा लेकिन मीरा ने क्या जवाब दिया बोले राणा जाओ अरे कोनी मारे ऊंची नीच रो काम राणा जी कोनी मारे ऊंची नीच रो काम राणा जी कोनी मारे ऊंची नीच रो अरे पानो देखी ने गुरु जी देखिया हो जी पानो देखी ने गुरु जी देखिया भगवान तो थारे वश में है इसको दुनिया का लोग कह रहा है कि मीरा तो है वो बचपन में जब छोटी बालिका थी तब से भगवान का
तेरा सुमिरन तो तेरे भगवान में तो कोई चमत्कार होगा। ध्यान थोड़ा इधर चाहिए सबका, मजा छोड़ दो तो ठीक है, ये तो आते रहेंगे। राणा ने कहा कि मुझे तुम्हारे गुरुजी कोई चमत्कार दिखाए, मुझे कोई तुम्हारा भगवान कोई चमत्कार दिखाए तो मैं भी मानता हूं कि तुम्हारा कोई भगवान है, नहीं तो ये तो पत्थर की मूर्ति है। और कहीं बालपना में अरे छोटी उम्र में भजिया राम राम, छोटी उम्र में भजिया राम माने अरे कोई माने पर छोटी अरे कोई तो माने पर जो देवीनो कोई चुनौती दे दे भगवान के भक्त को। मेरा माई वैसे इन सारी चीजों से बहुत दूर रहा करती थी, पर राणा ने कहा कि तेरा भगवान है कि नहीं है ये मुझे साबित कराओ। तो उस समय मीरा माई ने अपनी कंठी की माला जो है तुलसी की माला हाथ में ली, भगवान को सुमिरन किया, बोले भगवान ये इज्जत आपकी नहीं, ये लाज जो है वो भगत की है। कभी यदि आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो कल आने वाली पीढ़ी तुमको मानना बंद कर देगी कि देखो मीरा ने इतनी भक्ति की लेकिन मीरा पर इतने अत्याचार हुए। तो पहले विष को प्यालो, जैसे विष को प्यालो अमृत कर डालो, जैसे नाग ने जो है वो सोने की मोतियों की हार कर डाले हो, बोले भगवान एक बार तो फिर ये परचो, एक बार तो अपने इस भगत की लाज रखनी पड़ेगी। आई दोनों हाथ उठा के हवले हवले सांवरियन हेलो मारियो जी, हवले सांवरियन हेलो मारियो रे। आओ तो खरी मारा मोहन, आओ तो खरी माधुरे मिंदर में मीरा एक ली खड़ी मारा सबरा, आओ तो खरी वो मोहन, आओ तो खरी माधुरे मिंदर में मीरा एक ली खड़ी मारा सबरा। बहनों से निवेदन करता हूं कि मैं एक मिनट आप लोग चुप रहना, ये जितनी भी बहने बैठी है आपने अंदर में गाया भी नहीं गाया कोई बात नहीं, लेकिन यहां बैठ के गा लो तो आपकी हाजिरी हो जाएगी बड़ी मीठी ताली के साथ। देख ले गाइए सांवना आवो तो खरी मारा मोहन, आवो तो खरी सांवना आवो तो खरी मारा मोहन आवो मारा मोहन मारा मोहन। मीरा का रूप धार के आई हो, राधा बन के आई हो, उठा के दोनों हाथों को, आवो तो खरी मारा मोहन, आवो तो खरी माधव राम मंदिर में मीरा एक ली खड़ी मारा समरा, आवो तो खरी मारा मोहन, आवो तो खरी माधव राम मंदिर में मीरा एक ली खड़ी। Yeah.
सांवरा में मोर मुकुट बन जावो, एक वो तो सांवरा मोर मुकुट बन जाओ मार सबरा मोर मुकुट बन जाओ। आओ तो खरी माधव नाम दर में मीरा खड़ी सावना में बांसुरिया बन जाओ, वो तो सावरा बांसुरिया बन जाओ मार मोहन बांसुरिया बन जाओ। मुरली बजावे सावरो, मुरली बजावे सावरो, हर गोता फिर सावरा अब तो करी मार मोहन अब तो करी डाणो कभी कोई परचो देनो पड़सी मीरा भाई भगवान की लेली लेली कंठी माला हाथ मीरा भाई लेली लेली कंठी माला हाथ और हवड़े सांवरिया ने हेलो मारियो बोले भगवान भगत की लाज है तो भगवान अरे घना घन इंदर गाजी रे घना घन इंदर गाजी रे देखो मैं घना घन इंदर गाजी रे में हुड़ो पर सेरे मुसला आदि हो अरे में हुड़ो पर सेरे मुसला आदि ने सच है विपत्ति चबाती है कायर को दहलाती है। सूरमा का विपत्ति को नहीं बिगाड़ सकता। सच है विपत्ति चबाती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। तो कांटों में राह बनाने जैसा कार्य कहीं मंच में भी निवेदन करता हूं थोड़ा बड़ा। नंदू जी
चार भुजा नाथ का जय घोष करिएगा, बोलिए चार भुजा नाथ।